व्यवस्था पर तो विश्वास करें, लेकिन आपकी पुलिस पर यकीन कैसे हो? 3 साल में अभिषेक वाजपेयी जी, 3 साल में 23 अंडर कस्टडी मौत हुई है जी, संदीप द्विवेदी जी जी, और आप कह रहे हैं कि ये तमका आपके लिए? नहीं देखिए, अगर 3 साल में 23 अंडर कस्टडी मौत हो गई तो नहीं देखिए, ये तमका आपके लिए? नहीं तो क्या अल्ताफ के पिताजी जो बयान दे रहे हैं, क्या उन पे बात ना की जाएगी? अगर पुलिस की थ्योरी मैंने मान ली 100% गलत है, क्या अल्ताफ के पिताजी जो बार बार बयान बदल रहे हैं, क्या उनकी भी अलग अलग थ्योरियां चल रही हैं? यहाँ कितनी स्टोरी में थ्योरियां चल रही है? चिंतन का विषय है, केवल पुलिस को कटघरे में क्यों खड़ा किया जाए? अल्ताफ के पिताजी को क्यों कटघरे में खड़ा ना किया जाए बताइए, क्यों वो बार बार बयान बदल रहे हैं? मतलब नहीं, पूरा आज पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है, उन्हें पता, बेटा जिसका बेटा मर गया उसके जनाजा उठा रहा है पिता, आप कह रहे हैं कि उसके पिता को कटघरे में खड़ा करें? उसको बार बार बयान बदलने का मौका मिल जाएगा? उसको शर्म नहीं आई कि अपने बेटे की मृत्यु पे वो बार बार बयान बदल रहा है? आपके गले उतरती है, मैं तो वो दिखा रहा हूँ, देखिए ये नल देखिए 2 फीट का है, 2 फीट का नल, और उस पर कोई सुसाइड कर ले और वो भी जैकेट की डोरी लगाकर, आपको हैरानी नहीं हुई? देखिए मुझे मैं स्पष्ट तौर पे आपको एक चीज बता दूं, क्राइम व्यवस्था कभी थ्योरी पे नहीं चलती है, सबूत पे चलती है और साक्ष्य पे चलती है। कोर्ट कभी किसी थ्योरी पे निर्णय नहीं देता, क्या साक्ष्य है, क्या सबूत है और क्या घटनाकर्म हुआ, उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं। अच्छा, तो मतलब आप पुलिस की थ्योरी पर यकीन करते हैं? देखिए मैं ना तो पुलिस की थ्योरी पे यकीन कर रहा हूँ और ना ही जो बार बार बदल के बयान दिए जा रहे हैं उन पे यकीन कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें सरकार की व्यवस्था पे विश्वास रखना चाहिए। लखनऊ में विवेक तिवारी, आगरा में अरुण वाल्मीकि, कस्टडी में ही मौत, गोरखपुर में मनीष गुप्ता का मामला जिस पे काफी फजीहत हुई, कासगंज में अब एक और मामला आया अल्ताफ का, सुल्तानपुर में राजेश की मौत, कुल मिलाकर 3 साल में 23 अंडर कस्टडी मौत हुई। देखिए कुछ अंडर कस्टडी डेथ ऐसी भी थी जिसमें विकास दुबे भी थे, जिनकी दुर्घटना में लाते समय डेथ हुई थी। नहीं, वो गाड़ी पलटने वाली बात नहीं कर रहा, वो भी अंडर कस्टडी, मैं आपसे वो अंडर कस्टडी नहीं थे, उनका भी नाम होगा, ये सारे मनीष गुप्ता गुनेगार था। देखिए दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि अरुण वाल्मीकि जो था वो गुनेगार था। देखिए मानवाधिकार हनन के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जानते हैं ये उपलब्धि आपकी? नहीं देखिए, ये कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ आपको नहीं मालूम मैं कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं? 2020-21 में 8 मौत, 2018-19 में 12 मौत, 2019 में और 20 में 3 मौत, कुल मिलाकर 3 साल में 23 लोगों की मौत, ऐसे मामले से क्या सरकार की फजीहत होती है या फिर नहीं? कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी चिंता का सबब है, कुछ घटनाएं ऐसी थी जो नेचुरल थी, जैसे विकास दुबे का काम है या कुछ घटनाओं में नेचुरल। देखिए क्या विकास दुबे नेचुरल थी, क्या विकास दुबे की मौत नेचुरल थी? और इस घटना में भी जब तक साबित नहीं हो जाता मैं इस चीज को एग्री नहीं करूंगा। देखिए लापरवाही पुलिस वालों से हुई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आप उसको उनको हत्यारे इतना दल नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी को हत्यारे, जब आप कह रहे हैं कि विकास दुबे की मौत नेचुरल थी तो हो सकता है कि वो नेचुरल मौत हुई हो। ओके, अब मैं आ रहा हूं अगले सवाल पर। इस पूरे मामले में एक और उदाहरण सामने आया, क्या उदाहरण सामने आया कि 2 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, 2 मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा था, कुछ मामलों पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान बकायदा रिपोर्ट तक मांगी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर थाने में सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी होना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं है। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते? अधिकांश थानों में सीसीटीवी लग चुके हैं, अब आप अच्छा, अधिकांश थानों में लग चुके होना चाहिए तो मुझे लगता है ना, ना ना ना, ये यही तो पहलू है, अगर सीसीटीवी होता तो इस पूरे मामले का 1 मिनट में पटाक्षेप हो जाता, तो क्या बात कि वो गया तो किसके साथ गया, वो गया तो आखिरकार उसके साथ कोई था या नहीं था, वो गया वाकई में उसको अंदर जाके लटकाया गया, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी की जरूरत ही नहीं है? देखिए ये सब साक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं जो कमेटी जाँच करेगी वो इन पहलुओं पर सोचेगी और निर्णय लेगी उनके साथ। मैं ये बात लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना कि नहीं पुलिस आरोपी है या उसके पिता के बयानबाजी गलत है, कोर्ट की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों पर कब कितना खर्च हुआ इसका ब्यौरा भी उनसे मांगा। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1.5 साल में हरियाणा तेलंगाना पे 1 पैसा भी इस पर खर्च नहीं हुआ, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट में बकायदा इस पूरे मामले को लेकर दिलचस्पी ली
और ये मसला सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला, और ऐसे में कैबिनेट के अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है, हमें बजट में दिलचस्पी नहीं है। कोर्ट आपको कहता है कि तमाम थानों में सीसीटीवी लगने चाहिए। मैं मार्च का जिक्र कर रहा हूं 2021 का। आप लोगों ने क्या किया इस पूरे मसले को लेकर, यह सवाल नहीं खड़े होने चाहिए।